कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम उनके बीजों से बहुत इजीली अपने घर पे उगा सकते हैं, जैसे तुलसी, गेंदा, टमाटर, शिमला मिर्च, मिर्च और धनिया। आप उनके बीज मार्केट से भी ला सकते हो और घर पे जो सब्जी आती है उससे भी ले सकते हो। लेकिन अगर ये बीज जर्मिनेट ही नहीं हुए, मतलब उगे ही नहीं, तो हमारा टाइम वेस्ट होता है, मनी वेस्ट होता है और सबसे ज़्यादा मूड ऑफ होता है। तब फीलिंग आती है कि इससे बेटर तो मार्केट से या नर्सरी से जाके प्लांट और सब्जी ले आओ। ये बीज ना ऐसे नहीं जर्मिनेट होते, ये बहुत टेक्निकल काम है। एक्चुअली में हम कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से सीड्स जर्मिनेट होते होते रह जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में वो सारी छोटी बातें कवर करूँगी जो सीड्स के जर्मिनेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप लाइक अ प्रो अपनी प्लांट्स को खुद उगा पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। सीड के जर्मिनेशन में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं और इन सब का बेस है सीड की क्वालिटी, मतलब बीज कैसा है। अगर आपका बीज पुराना है या बेकार क्वालिटी का है तो आप मिट्टी में उगाओ, कोकोपीट में उगाओ, वर्मी कंपोस्ट में उगाओ या किसी टिश्यू पेपर में रखो, सीड जर्मिनेट नहीं होगा और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो सीड का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको चेक करना है कि आपके पास जो सीड्स हैं वो अच्छे हैं या नहीं, तो एक बर्तन में पानी भर के सीड्स को डिप कर दीजिए और 10 से 12 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आप 15 या 20 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। जो सीड्स नीचे बैठ जाएंगे वो अच्छे हैं, जर्मिनेशन के लिए रेडी हैं, और जो ऊपर हैं आप उनको हटा दीजिए। जो सीड्स नीचे बैठ गए हैं उनमें प्रोटोप्लाज्म डेवलप हो जाता है, इसलिए वो अच्छे सीड्स होते हैं। आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, जब हम घर पे छोले, मतलब काबुली चना, पानी में डिप करके रखते हैं तो जो छोले नीचे बैठ जाते हैं वो अच्छे होते हैं, हम उनको यूज़ करते हैं, और जो ख़राब होते हैं जिनमें कीड़े होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और हम उन्हें फेंक देते हैं। तो आपको ऐसे ही याद रखना है, जो सीड्स नीचे हैं वो अच्छे हैं, जो ऊपर हैं उनको हटा दीजिए। नाउ अब बात ये आती है कि आपको अच्छे सीड्स कहाँ मिलेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपके किचन में जो सब्ज़ी आती है ना, आप उसके बीज निकालिए। इसमें आपको सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर वन, सब्ज़ी का साइज़ बड़ा होना चाहिए, और नंबर टू, वो फ्रेश नहीं होनी चाहिए। पकी हुई, गली, सड़ी सब्ज़ी बेस्ट है, बट वो फ्रेश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पकी हुई सब्जी के बीज मैच्योर होते हैं और उनसे दूसरा प्लांट बन सकता है। किचन के बाद आप लोकल नर्सरी में चेक कर सकते हो, जो भी आपके पास में नर्सरी हो। नर्सरी में बीज एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन काफ़ी सस्ते मिलते हैं। 30-40 रुपए का आपको पैकेट मिल जाएगा बीजों का, और इस पैकेट में मुझे लगता है कि 20-30 बीज तो होते ही हैं। पैकेट के बैक साइड में मैन्युफैक्चरिंग डेट और वैलिडिटी मेंशन होती है, आप चेक करके ही लेटेस्ट सीड्स लीजिएगा। अगर नर्सरी में भी नहीं मिलता है देन आप ऑनलाइन ले सकते हो। ऑनलाइन बहुत सारी साइट्स और बहुत सारे सेलर्स हैं। आप जब भी ले रहे हो पहले रिव्यूज़ और डिस्क्रिप्शंस अच्छे से पढ़ना। मैंने बहुत सारी कंपनीज के सीड्स यूज़ किए हैं और मुझे जो बेटर लगे मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं। जो मार्केट के बीज हैं और जो घर के बीज हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मार्केट के सीड्स में केमिकल ट्रीटमेंट किए जाते हैं जिससे फंगस या कीड़े नहीं लगते हैं, प्लस वो हाइब्रिड सीड्स होते हैं तो जर्मिनेशन रेट थोड़ा फास्ट होता है। बीज तो आपको मिल गए, लेकिन अब एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जो सीड्स के जर्मिनेशन में काम करता है, और वो है टेम्परेचर। बीज तभी उगेगा जब टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा हो और ना बहुत कम हो, बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। वो टेम्परेचर है 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अगर आप इन नंबर्स, मतलब 15, 20, 25 डिग्री सेल्सियस में नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप ऐसे समझ सकते हैं जब मौसम बदल रहा होता है ना, बीज तभी उगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी अक्टूबर एंड है, हम गर्मी से सर्दी की ओर जा रहे हैं, हमें फील हो रहा है कि मौसम बदल रहा है। सेम कंडीशन होती है फेब एंड और मार्च में, जब हम सर्दी से गर्मी की ओर जा रहे हैं, फ़ैन ऑन होने लगते हैं, स्वेटर्स उतरने लगते हैं। तो इन दोनों मौसम को स्प्रिंग और ऑटम कहते हैं। इन दोनों मौसम में सीड्स जर्मिनेट होते हैं। अगर एक बार बहुत अच्छी ठंड आ गई या बहुत अच्छी गर्मी आ गई तो सीड्स का जर्मिनेशन रुक जाता है, क्योंकि टेम्परेचर 15-25 डिग्री सेल्सियस की रेंज के बाहर चला जाता है। सीड्स की क्वालिटी हो गई, टेम्परेचर हो गया, और अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं और इस वजह से सीड्स जर्मिनेट होते होते रह जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ग्रोइंग मीडियम।
आप बीज को मिट्टी में डाल सकते हो, कोकोपीट में डाल सकते हो, वर्मीलाइट में, टिश्यू पेपर में, किसी में भी उगा सकते हो। तो ये ग्रोइंग मीडियम होता है। ग्रोइंग मीडियम बहुत मैटर करता है, क्योंकि ग्रोइंग मीडियम जिसमें हम बीज को उगा रहे हैं ये बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। सीडलिंग्स कितनी सॉफ्ट होती हैं, उनकी लीव्स, स्टेम, रूट सब बहुत नाजुक होती हैं। अगर मिट्टी हार्ड है, बहुत टाइट है, जैसे कि ये, इसमें मुझे कितनी ताकत लगानी पड़ रही है, तो जस्ट इमेजिन कि जो सीड्स इतने डेलिकेट होते हैं वो जर्मिनेट होने के बाद बाहर कैसे निकलेंगे। ना तो उनकी रूट्स अंदर फैल पाएंगी और ना ही उनकी लीव्स बाहर आ पाएंगी, तो वो जर्मिनेट होने के बाद भी बाहर नहीं आ पाते हैं। इसलिए ग्रोइंग मीडियम बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आप मिट्टी में बीज को डाल रहे हो तो आप प्लीज़ मेक श्योर कर लो कि वो मिट्टी बहुत कॉम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए, हार्ड नहीं होनी चाहिए। मैं कोकोपीट प्रेफर करती हूँ सीड्स के जर्मिनेशन में, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है और नॉर्मल सॉइल के कंपैरिजन कोकोपीट में सीड्स बहुत जल्दी जर्मिनेट होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, कोकोपीट में सीड्स तो बहुत तेज़ी से जर्मिनेट होंगे, लेकिन 10-15 दिन बाद जब 4-5 लीव्स आ जाएंगी तो ये सीडलिंग काफ़ी बीमार से दिखने लगेगी, झुकने लगेगी, मरने लगेगी, क्योंकि कोकोपीट में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। नाउ अगर आप सोचो कि इस सीडलिंग को निकाल के हम किसी और पॉट में शिफ्ट कर दें, तो ये बहुत रिस्की है, क्योंकि अभी सीडलिंग नाजुक है, स्ट्रेस में है और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएगी। तो आप दो काम कर सकते हो। पहला, जब आप सीड्स को डाल रहे थे ना कोकोपीट में, तो उसी टाइम कोकोपीट में कोई आप खाद ऐड कर दीजिए, लाइक वर्मीलाइट ऐड कर सकते हैं, कोई कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं और उसमें सीड्स लगाइए। या आप दूसरा काम कर सकते हैं जो मैं करती हूँ, पॉट में सबसे पहले सॉइल मिक्सचर भरती हूँ। इसमें नॉर्मल गार्डन सॉइल है, सैंड है और कंपोस्ट है। एग्जैक्ट रेशियो के लिए आप मेरा सॉइल मिक्सचर वाला वीडियो चेक करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अप्रॉक्स 1 से 1.5 इंच तक कोकोपीट रखती हूँ और अब इसके ऊपर सीड्स डालूंगी। अब मैंने ऐसा क्यों किया? कोकोपीट में सीड बहुत स्पीड से जर्मिनेट होगा, जब वो बड़ा होने लगेगा उसकी रूट्स जब नीचे जाएंगी तो नीचे उसको सॉयल न्यूट्रिएंट्स ऑटोमेटिकली मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहला, मेरा सीड तेजी से जर्मिनेट होगा। दूसरा, सीडलिंग को सही टाइम पे न्यूट्रिशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा और सीडलिंग हेल्दी होगी। तीसरा, मुझे इनको दूसरे पॉट में शिफ्ट करने की टेंशन नहीं होती है। जब तक ये इस पॉट में अच्छे से ग्रो कर रहे हैं मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। तो मैंने आपको दो प्रोसीजर्स बताए हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो करिए। ये वही वाले सीड्स हैं जिनको मैंने 10-15 घंटे के लिए पानी में डिप करके रखा था। नाउ इन सीड्स को कोकोपीट के ऊपर थोड़ी डिस्टेंस पे, मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पे रखना है। मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको डिस्टेंस पे रखना है, प्रेस करना, दबाना या गाड़ना नहीं है। और डिस्टेंस पे इसलिए रखना है क्योंकि जब ये सीड्स बड़े होंगे, जर्मिनेट होंगे, तो इनको थोड़ा स्पेस मिलेगा बढ़ने के लिए। और जब मैं रिपॉट करूँगी, इनको दूसरे पॉट में शिफ्ट करूँगी, तो मेरे लिए भी ईजी होगा इनको निकाल के दूसरे पॉट में शिफ्ट करना। इसके बाद कोकोपीट से आपको बीजों को कवर करना है, बिल्कुल पतली सी लेयर करिएगा। अब आपको पानी से अच्छे से स्प्रे करना है। मग या ग्लास से पानी आप डालोगे तो जो बीज इतनी मेहनत से रखे हैं सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, एक साइड में आ जाएंगे सारे, और ओवर वाटरिंग भी हो सकती है। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप पॉट में नीचे से पानी दे दीजिए। एक प्लेट में पानी भर के उसके ऊपर पॉट रख दीजिए। मिट्टी नीचे वाले होल से पानी एब्जॉर्ब करेगी और ऊपर तक पानी पहुँच जाएगा। अगर आप डायरेक्टली सॉइल में बीज डाल रहे हैं तो भी सेम प्रोसीजर है। ये सब करने के बाद एक क्वेश्चन होता है कि सीड्स कितने दिन में जर्मिनेट होंगे। सीड्स 2 दिन में जर्मिनेट हो सकते हैं, 5 दिन में हो सकते हैं या 10 दिन भी ले सकते हैं। 10 दिन तक आप पेशेंटली वेट करिएगा। अगर 10 दिन में भी सीड्स जर्मिनेट नहीं हुए हैं तो जर्मिनेशन के चांसेस बहुत कम हैं। इसलिए मैंने सीड्स की क्वालिटी और टेम्परेचर पे ज़्यादा फोकस किया था। अब इस पॉट को कहाँ रखना है, ये फैक्टर बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि इसको धूप में रखना है, छाँव में रखना है या शेडेड एरिया में रखना है।
तो मैं आपको बता दूँ, सीड्स के जर्मिनेशन में सनलाइट या लाइट का कोई रोल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम काले चने को स्प्राउट्स बनाते हैं तो चने को एक गीले कपड़े में बांध कर किचन के या रूम के किसी भी कॉर्नर में रख देते हैं। तो क्या हम इसको धूप में रखते हैं? नहीं, हम रूम में या किचन में कहीं भी रख देते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि सीड्स के जर्मिनेशन में सनलाइट और लाइट का कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर मैंने किसी बहुत बड़े पॉट में सीड्स डाले हैं और वो बालकनी या टेरेस में रखे हैं, तो क्या सीड्स जर्मिनेट होंगे? होंगे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लाइक टॉप सॉयल बार बार ड्राई होगी, आपको बार बार स्प्रे करना पड़ेगा पानी का, और अगर आपकी सॉयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है तो सीड्स ख़राब हो सकते हैं। तो वैसे ऑटम और स्प्रिंग की धूप इतनी शार्प नहीं होती है, सीड्स को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि किसी दिन धूप बहुत तेज़ है, तो आप उस एरिया को कवर कर लीजिए। बेस्ट तो यही होगा कि आप इसको शेडेड एरिया में या डार्क एरिया में रखिए। नाउ अब एक और फैक्टर आता है, इसको पानी कब और कितना देना है। जब टॉप लेयर ड्राई दिखे, आप पानी का स्प्रे कर दो। इसको सूखने मत दीजिएगा, हमेशा मॉइस्चर रखनी है। अगर बीज एक बार सूख गया तो वो जर्मिनेट नहीं होगा, ये सेम उसी कंडीशन में पहुंच जाएगा जैसे हम मार्केट से लाए थे। इसलिए मॉइस्चर मेंटेन रखना है, लेकिन पानी इतना भी नहीं देना है कि पानी के अंदर बीज गल जाए या फंगस लग जाए, इसलिए पानी का स्प्रे करते हैं। यहाँ पर कोकोपीट इस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल करती है, उसमें ओवर वाटरिंग भी नहीं होने देती है और मॉइस्चर भी हमेशा मेंटेन रहता है। मेरे चैनल पे कोकोपीट पे एक वीडियो है, आप उसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। नाउ एक और प्रॉब्लम आती है, जब बर्ड्स और आंट्स आपके बीज ले जाते हैं। इसके लिए आप पॉट को न्यूज़पेपर से कवर करके बांध दीजिए, इससे सीड्स तो कवर होंगे, साथ में मॉइस्चर भी काफ़ी टाइम तक मेंटेन रहेगा। अगर आप इसको न्यूज़पेपर से कवर करोगे तो आपको डेली पानी देने की ज़रूरत नहीं है, आप दो दिन बाद भी खोलोगे तो भी मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। इस वीडियो में मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं ना, आप इन सबको फॉलो करिएगा, सीड्स पक्का जर्मिनेट होंगे। और गार्डनिंग में सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट तब होता है जब सीड्स जर्मिनेट होते हैं। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत से लोग मुझसे गार्डनिंग और प्लांटिंग के लिए इंटरेक्ट करते हैं, और उनसे बात करने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि किसी के पास बहुत बड़ा बोरा भर के गाय के गोबर की खाद रखी है, किसी के पास एक टब भर के सरसों की खली रखी है, किसी के पास बहुत ज़्यादा बड़ा स्पेस है लेकिन उनके पास प्लांट्स नहीं ग्रो हो रहे हैं, उनके फैमिली मेम्बर सपोर्ट नहीं कर रहे, किसी के पास बहुत सारे प्लांट्स हैं लेकिन स्पेस नहीं है और उनको और प्लांट्स चाहिए। सबकी अपनी अपनी सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस होती हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल है उससे बेस्ट आउटकम निकाल के अपनी गार्डनिंग को एंजॉय करिए। मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।